हेलो नमस्कार दोस्तों। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत और माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। 8848 मीटर की इसकी ऊंचाई है और यह ऊंचाई अभी भी बढ़ती जा रही है। अभी तक यह माना जा रहा था कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट यह आपस में कोलाइड किए हुए हैं और इंडियन प्लेट जो है वह यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है। इस वजह से हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है और खासकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो बढ़ती जा रही है। हाल में ही एक और रिसर्च सामने आई। इस रिसर्च में देखा गया कि आइसोस्टैटिक रिबाउंड यह भी एक कारण बन रहा है जिसकी वजह से जो माउंट एवरेस्ट है वह ऊंचा होता जा रहा है। तो इसलिए आज के वीडियो में चर्चा करना इस पर आवश्यक है। आज के वीडियो में जानेंगे हम लोग तीन कॉन्सेप्ट के बारे में। पहला कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, दूसरा जो कॉन्सेप्ट समझेंगे वह है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वह है आइसोस्टैटिक रिबाउंड क्या होता है और क्यों हिमालय की ऊंचाई या खासकर कहें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। एफबी टेलर ने इस सिद्धांत को 1908 में दिया था और इस सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य था वह टर्शरी पीरियड में जो विश्व में माउंटेन बने थे जिसमें हिमालय, आल्प्स, एंडीज और रॉकीज माउंटेन है, इनका निर्माण कैसे हुआ या सभी फोल्ड माउंटेन किस तरीके से बने, इसको लेकर एफबी टेलर ने कॉन्सेप्ट दिया कि एक दौर में क्रस्ट में से एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो है वह टूटकर बाहर हुआ और उस टुकड़े ने ही आगे जाकर चंद्रमा का आकार लिया। इस वजह से पृथ्वी की जो घूर्णन शक्ति है, जो उसका रोटेशन है, वो बढ़ने लगा और इसकी वजह से प्लेट में मूवमेंट होनी शुरू हुई और कई सारी जो प्लेट्स हैं, क्रस्ट प्लेट हैं, वह आपस में टूटने लगी। इन प्लेट्स के टूटने की वजह से मोरदार पर्वतों का निर्माण हुआ और यही मोरदार पर्वत जो हैं, इनका दो तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, एक जो कि ईस्ट से वेस्ट के साइड है जैसे कि हिमालय और आल्प्स की बात करें, और दूसरा है नॉर्थ से साउथ जैसे हम रॉकीज या एंडीज की बात करें। यह कॉन्सेप्ट एफबी टेलर ने 1908 में दिया था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लेकर वैज्ञानिकों में एक मत नहीं रहा। कारण यह है कि जब चंद्रमा के चट्टानों की स्टडी की गई तो पता चला कि चंद्रमा की चट्टानें पृथ्वी की चट्टानों से पुरानी हैं, और दूसरा अगर चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी से हुआ है और चंद्रमा पृथ्वी के अराउंड घूम रहा है तो इस वजह से जो टाइडल फोर्स लगेगा उसकी वजह से पृथ्वी की गति धीमी हो जानी चाहिए। इस वजह से एफबी टेलर के इस कॉन्सेप्ट को सबकी सहमति नहीं मिली। इस कॉन्सेप्ट को आगे और डिफाइन किया अल्फ्रेड ब्रेगनर ने, जो कि एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर और वहां पे जो चट्टाने हैं उन चट्टानों में जो जैवीय चेंजेस आए हैं उनके आधार पर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया। उन्होंने कहा कि जो पूरा विश्व है वहां पर सारे लैंडमास एक जगह हुआ करते थे, इसको नाम दिया पेंजिया, और जो सारा वाटर है ओशनिक वो एक तरफ था, इसको नाम दिया गया पेंथालसा। समय के साथ क्या हुआ कि जो अर्थ है उसमें आपने देखा होगा तीन तरह के कंटेंट होते हैं, एक होता है सियाल, सीमा और नीफे। सियाल जो होता है वो सीमा के ऊपर फ्लोट करता है कुछ इस तरीके से, कुछ वैसे ही जैसे कि पानी में नाव जो है वो तैरती है, उसी तरीके से सीमा जो है उसके ऊपर सियाल जो है वो तैरता रहता है। इस वजह से क्या हुआ कि सियाल और सीमा के बीच में जहां जहां पर पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव पड़ा और चंद्रमा की टाइडल एनर्जी का प्रभाव पड़ा, इस वजह से क्या हुआ कि जो सियाल है उसमें ब्रेक आने शुरू हुए और जो पेंजिया है वह दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक का नाम रखा गया लॉरेशिया और एक का नाम रखा गया गोंडवाना। ऐसे में लॉरेशिया जो है वो नॉर्थवर्ड गया और जो गोंडवाना है वो साउथवर्ड इस तरीके से आया। आगे चल के इनमें भी फर्दर जो है वो ब्रेक हुआ, तो जो लॉरेशिया है वहां से एक पार्ट टूटकर जो है वो आपका वेस्टवर्ड बढ़ा जो कि आगे चल के नॉर्थ अमेरिका बनता है। इसी तरीके से गोंडवाना के भी कई सारे पार्ट हुए जिसमें से एक पार्ट अंटार्कटिका जो कि चला गया साउथ पोल पर, इसके अलावा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसमें से इंडिया चला गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ और ऑस्ट्रेलिया चला गया साउथ ईस्ट की तरफ। इस तरीके से एक और प्लेट टूटी जो कि अफ्रीका से निकली और वह जाके प्लेट आपकी साउथ अमेरिका बनती है। इसके अलावा आपने देखा होगा रेड सी के ऊपर जो अरबियन पेनिनसुला का पार्ट है वह भी इसी आपके गोंडवाना का पार्ट बनता है। और जब ये प्लेट पहुंचे अपनी अपनी जगह पर, तो जैसे
आपने देखा होगा कि रॉकीज जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है जो पैसिफिक ओशियन है वहां पे जो प्लेट है ओशियनिक, और इसके अलावा जो आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है इसके बीच में कोलिजन हुआ, और कोलिजन होने की वजह से चूंकि कंटिनेंटल प्लेट जो होती है वो हल्की होती है, ओशियनिक प्लेट भारी होती है, तो ओशियनिक प्लेट जो है वो सबडक्ट होने लगी। जब सबडक्शन हुआ और जो यहां पर वाटर हुआ करता था ये वाटर डिस्प्लेस हुआ और वहां पे जो जियोसिंक्लाइन बनी हुई थी और उसके जो सेडिमेंट थे वह ऊपर की ओर फोल्ड होकर अपलिफ्ट हुए। इस वजह से क्या हुआ कि जब ये प्लेट नीचे गई ये फोल्डिंग हुआ तो ऐसे में फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ और ये आपको रॉकीज के फॉर्म में दिखाई दिया। सेम चीज जो है साउथ अमेरिका में हुआ, वहां पर साउथ अमेरिकन प्लेट जो है उसका कोलिजन होता है नाज़का प्लेट से, यहां पर भी सेम चीज हुई कि भाई साहब जो प्लेट है आपकी साउथ अमेरिकन वो हल्की थी और नाज़का प्लेट ओशनिक है भारी थी, तो नाज़का प्लेट सबडक्ट करी और इसके ऊपर जो है एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। अब चूंकि जो ओशनिक प्लेट होती है वो भारी होती है इसलिए उसका सबडक्शन लगभग 100 किलोमीटर तक हुआ, इस वजह से वहां पर मेल्टिंग हुई रॉक की, और वो रॉक की मेल्टिंग आपको देखने को मिलेगी कि आपका जो साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन है इस पे आपको वोल्केनो देखने को मिलेंगे, सेम चीज आपको नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन में आपको देखने को मिल जाएंगे वोल्केनोस। लेकिन इंडिया में यह चीज थोड़ी सी अलग हुई, हिमालय का फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग हुआ, जिस समय गोंडवाना और लॉरेशिया अलग हुए थे तो पेंथालसा का वाटर जो है इनके बीच में आकर जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुई उसमें आकर पानी इकट्ठा हुआ और एक नए सी का निर्माण हुआ, उसका नाम रखा गया टेथिस सी। ऊपर यूरेशिया है, नीचे ये आपकी इंडियन प्लेट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कट के अलग हो चुका था। तो हुआ क्या कि इंडियन प्लेट जो है वो आगे की ओर बढ़ी इस तरीके से, यहां पर यूरेशियन प्लेट है, तिब्बत यहां पर आपका प्लेटू है जो यूरेशियन प्लेट है, तो ऐसे में इंडियन प्लेट जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ी और आगे जाकर वो कोलाइड करती है किससे, यूरेशियन प्लेट से। अच्छा, बीच में टेथिस सी है जो इसके बीच का पार्ट है, ये टेथिस सी का पार्ट है, तो अब क्या हुआ कि टेथिस सी का पानी जो है यहां से डिस्प्लेस हुआ और जो उसका जियोसिंक्लाइन है, इस कॉन्सेप्ट में कोबर ने दिया था कि जो वहां का जियोसिंक्लाइन है वो जियोसिंक्लाइन क्या हुआ, इन दोनों प्लेट की वजह से बीच में ऐसे फोल्ड होने लगा। और जब फोल्डिंग हुआ, इंडियन प्लेट कंटिनेंटल प्लेट है पर इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो ओशियनिक है, इस वजह से ये प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से भारी थी, तो इसका सबडक्शन जो है वो शुरू हुआ। सबडक्शन शुरू होने की वजह से एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन का फॉर्मेशन हुआ और यही एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन आगे चल के हिमालय का फॉर्मेशन करते हैं, और यह घटना जो है आज से लगभग 50 मिलियन साल पहले हुई थी। जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है इसका फॉर्मेशन शुरू हुआ, उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड एंड देन आपके पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और असम का जो है फॉर्मेशन आपको दिखाई देता है। जो इंडिया का पेनिनसुला है वो काफी पुराना है, गोंडवाना का पार्ट माना जाता है। अब ऐसे में माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, ये माना जाता है कि जो भू संतुलन है अर्थात आइसोस्टेसी, यह एक आवश्यक चीज है। कुछ ऐसे समझिए जैसे कि आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी थी, टाइटैनिक मूवी में जो शिप जाती है, टाइटैनिक शिप जाती है, वह एक आइसबर्ग को देखती है और उसको बहुत सीरियसली नहीं लेती है, लेकिन वो आइसबर्ग ऊपर से छोटा दिखाई दे रहा था। कुछ आप समझिए कि जो पोर्शन मेरे इस हाथ के ऊपर का है ये विजिबल है और नीचे का पार्ट जो है वो पानी के अंदर है, तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो कंडीशन है ये भू संतुलन की स्थिति है, ये संतुलन की स्थिति है और इसी को बोलते हैं आइसोस्टेसी, मतलब इसको इसके स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो उसका पार्ट है वो नीचे गया और इस वजह से ये जो आइसबर्ग है ये आपको स्टेबल दिखाई दे रहा है। यहां पर आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो इलैबोरेट हुआ। इस कॉन्सेप्ट को आगे डिफाइन किया एरे ने और प्रैट ने, कई और लोगों ने भी इसको डिफाइन किया था, पहले एरे और प्रैट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक्चुअली एरे ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें यूनिफॉर्म डेंसिटी की बात की, उन्होंने कहा कि जो टोटल ब्लॉक है किसी भी माउंटेन का, प्लेट्यू का या प्लेन का, यह जो पूरा ब्लॉक है इस ब्लॉक को उन्होंने 9 हिस्से में बांटा और कहा कि एक हिस्सा आपका जो आपको विजिबल होता है तो इसको मेंटेन करने के लिए इसका बाकी 8 हिस्सा जो है वो सरफेस के अंदर है। तो अगर मान लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो लगभग 9 किलोमीटर है, तो ऐसे में 9 किलोमीटर जो है वो तो ऊपर है लेकिन उसके बराबर जो बाकी 8/9 पार्ट है उसका, 9 किलोमीटर का 8/9 पार्ट, वो पार्ट लगभग 80 किलोमीटर के आसपास जो है वह नीचे होगा, अर्थात वह आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो क्रस्ट के नीचे जो है वो काफी स्टेबल पार्ट में इसको पकड़े हुआ होगा। लेकिन अब दिक्कत ये आई कि अगर आपने जियोमॉर्फोलॉजी देखी है तो उसमें ये जानते हैं कि 32 मीटर अगर आप नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट शुरू होता है, लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड का यहां पर इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे में अगर
लगभग 80 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट से हिमालय नीचे है, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे जो रॉक है वो मेल्ट क्यों नहीं हो रही है? इसलिए यहां पर जो इनकी यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को लोगों ने नकार दिया, कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह एक तरीके से आइसोस्टेसी को डिफाइन करने का पहला एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। इसके पहले जॉर्ज एवरेस्ट ने भी यह चीज डिफाइन की थी कि भाई संतुलन की अवस्था तो बनती है। उन्होंने साहू लटका के चेक किया था कि किस तरीके से जो रॉक है वो स्टेबल यहां पर दिखाई दे रही है। फिर प्रैट ने यह कहा कि भाई जो आपकी रॉक है वो सिंगल फॉर्म में नहीं बनी है, मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग डेंसिटी होती है। तो ऐसे में यहां पर उन्होंने डिफाइन किया कि भाई एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आपको अलग अलग ब्लॉक में चीजें दिखाई देंगी, पर उस लेवल के नीचे सब एक कॉमन पॉइंट पर दिखाई देगा। मतलब अगर किसी ब्लॉक की हाइट कम है इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और किसी ब्लॉक की हाइट ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी जो है वो कम है, लेकिन लेवल ऑफ कंपनसेशन के नीचे जो है वो आपका एक ही लेवल पर दिखाई देगा। यह बताई बात प्रैट ने। तो ये चीज आइसोस्टेसी को डिफाइन करती है कि पूरे पृथ्वी पर जो भी चीजें बनी हुई है वह भू संतुलन की अवस्था में बनी हुई है। समझ लेते हैं कि आइसोस्टेसी रिबाउंड क्या होता है। ऐसे समझिए कि कोई शिप जो है वो तैर रही है किस पे, किसी ओशियन के वाटर पे। तो अब क्या हुआ कि जैसे आपने इस पर सामान रखा है, कई सारे सामान जो है आपने इस पे रखे हुए, लेट अस सपोज ये सामान जो है ऐसे इस पे रखा हुआ है, तो सीधी बात है सामान की वजह से ये शिप जो है थोड़ा सा धंसा रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इस सामान को इससे हटाएंगे तो यह शिप जो है हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाएगा, कुछ यही माना जाता है यहां पर। तो ये देखा गया कि जो माउंट एवरेस्ट है उसके पास से, क्योंकि तिब्बत से एक नदी निकलती है उसका नाम है अरुण नदी, जो कि कोसी की एक उपनदी है, तो अरुण नदी क्या कर रही है, वह माउंट एवरेस्ट के आसपास काफी इरोजन कर रही है। इरोजन करने की वजह से क्या हो रहा है कि जो माउंट एवरेस्ट का एरिया है वहां से जो सेडिमेंट है वो हट रहे हैं। सेडिमेंट हटने की वजह से वहां पे जो आप देखेंगे हल्कापन आएगा, लाइटर हो जाएगा वहां पीजिए, क्योंकि वहां की जो सेडिमेंट है वो हट चुकी है। अच्छा, ये सेडिमेंट वो लाकर डिपॉजिट कर रही है कहां पर, कोसी के थ्रू वो डिपॉजिट कर रही है गंगा में, और गंगा से जा रहा है बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में लगातार सेडिमेंट जमा होते जा रहे हैं। अब ये सेडिमेंट जो यहां था, ये सेडिमेंट अब गंगा के थ्रू कहां चला आया है, ये चला आया है आपका बे ऑफ बंगाल में। तो सीधी बात है बे ऑफ बंगाल में लगातार जो है वह भार बढ़ता जाएगा, तो ये दबाव डालेगा वहां पर। जब दबाव डालेगा तो यहां पर जो मैग्मा है, ये मैग्मा कहां बढ़ेगा, हिमालय का साइड बढ़ेगा। इस वजह से, इस मैग्मा के दबाव की वजह से हिमालय क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट कोलाइड कर रही, यह तो एक रीजन है ही। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ने के पीछे का एक और कारण जो है वह है आइसोस्टेटिक रिबाउंड। लेकिन अभी इसको लेकर वैज्ञानिकों में एकमत नहीं है, लेकिन फिर भी यह कॉन्सेप्ट काफी जेन्युइन है। कारण यही है कि जितना ज्यादा आप वहां से सेडिमेंट को रिलीज करवाएंगे, जितनी ज्यादा रिवर वहां से इरोजन करेगी, उस वजह से बे ऑफ बंगाल में लगातार जो सेडिमेंट है वो इकट्ठा होते जाएंगे और उसका दबाव बढ़ता जाएगा और यहां से मैग्मा डिस्प्लेस होगा और इस वजह से माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है आपको बढ़ते हुए दिखाई देगी। यह चीज आप नोटिस नहीं करेंगे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर, क्योंकि वहां पर कोई ऐसी बहुत लार्ज रिवर नहीं है और डिपोजिशन वहां पर कम हो रहा है, इसीलिए आपको K2 की बढ़ती ऊंचाई जो है वह कम दिखाई देगी। वह मुख्यतया निर्भर करती है यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के कोलिजन की वजह से जो यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को डाल सकते हैं, मैं वहां पर आपको आंसर कर दूंगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।